अच्छा स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं एएफएनएस के इंटरव्यू के पॉइंट से। गुड़िया, आप रेडी हैं? हम बच्ची का चेहरा नहीं दिखा सकते और उसका नाम भी नहीं बता सकते, लेकिन हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, देन इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा मैं आपको कैसे कैसे पास करना है। पहला पॉइंट ये कि काफ़ी गर्ल्स के एसएमएस आ रहे थे कि हमारा मॉक इंटरव्यू ले लें, ये कर लें, वो कर लें। मैं सबको नहीं कॉल कर पाता, और अगर नहीं भी कॉल आ पाती सबको, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मेरे से नाराज नहीं होना। बेटा ये बोलिए, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सिर्फ नाम नहीं बताना, ये कौन से शहर से आई हैं आप? गुजरांवाला। अच्छा, कितने अरसे से आपका मेरा रابطہ है व्हाट्सएप पे? आई थिंक सो 1 मंथ। साल हो गया या 4 मंथ? 1 मंथ। 1 मंथ। अच्छा, आपने नंबर कैसे ट्रेस किया ये मत बताना नंबर। ओके, वीडियो से आपके देखा था। यानी वीडियो से नंबर मिल जाता है इजीली? पुरानी वीडियो से या नई वीडियो से? पुरानी वीडियो से। यानी पुरानी वीडियो में भी आपको हिडन दे रहा हूं, पुरानी वीडियो से नंबर मिल जाता है, अगर आप कोशिश करें तो मिल जाता है। अच्छा गुड़िया, एएफएनएस में क्यों अप्लाई किया आपने? सर, क्योंकि इसकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी है और मेरे बचपन से मैंने आर्मी में। फैसिलिटीज? कौन कौन सी फैसिलिटी? जो घर है, सैलरी है जी, और मेरा बचपन से मैंने जाना ही सिर्फ आर्मी में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एएफएनएस की कॉल्स आपको आएंगी? कब से कॉल्स आ रही है? 20 नवंबर के बाद। 20 नवंबर से लिस्ट लग रही है? यस। उस लिस्ट में आपका नाम होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है। और उसका ज्वाइनिंग कब से है? जनवरी के फर्स्ट वीक। जनवरी के फर्स्ट वीक, यानी कि 5 जनवरी को आप 2025 में ट्रेनिंग पे होंगी। यस, इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। देन उससे पहले पहले बिरयानी आ जाएगी हमारे लिए। जी सर, मुझे बहुत अच्छी बनानी आती है। अच्छी आती है। अच्छा अच्छा गुड़िया, आप पहली बात ये कि आपने एएफएनएस इंटरव्यू की मेरी काफी वीडियो सुनी होंगी और काफी तैयारी भी की होगी, तो हम तैयारी कराने से बेहतर है कि आप इंटरव्यू ले लेते। जी सर, ये सही है। ठीक। अच्छा, जब आपको पता चला था कि यहाँ पर हर टेस्ट की तैयारी फ्री कराई जाती है, तो आपको घर वालों को कन्विंस करना मुश्किल हुआ था? वो क्यों कह रहे होंगे ये? नो सर, मान गए थे कि कोई फ्री करा दे। मान गए थे, मान गए थे। वीडियो सुनते हैं वो मेरी, देखते हैं। आपको कैसे लगे यहाँ पर आके, अदारे को देख के? कोई ऐसा नहीं लगा अजीब सा? नो सर, ठीक, सही है ना? शुक्र है, कुछ बच्चों को अच्छा लगा, वरना काफी लोग तो ये सोचते रहते हैं कैसा अदारा। स्टार्ट है, रेडी? ओकी बात, पानी तो नहीं पीना? नो सर। चलो बच्चों, ये हो रहा है मॉक इंटरव्यू आज, जिनका हम इन्हें गुड़िया बोलेंगे और इनके इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे एएफएनएस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं बेटा आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके गला खराब है? यस सर, खराब। क्यों गला खराब हुआ? टॉन्सिल्स है ना, थोड़े टॉन्सिल्स हैं आपके। फेल करो, पास करो? फेल नहीं बताना था। इतनी बीमार लड़की मेरे पास आ गई अगेन, दोबारा बीमारी नहीं बतानी। ओके सर, मेडिकली अनफिट कर देंगे दोबारा। टॉन्सिल्स हैं और कान में मसला है, नाम में मसला है सर जी, काफी मसला है, दिमाग में भी एक मसला है सर, वो आपको ट्रेनिंग के दौरान पता चलेगा। मैं ना वो गोली यहाँ मारनी हूँ, यहाँ मार देती हूँ दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं बेटा? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा बेटा, एएफएनएस में आपने अप्लाई क्यों किया? क्योंकि सर मेरा बचपन से ख्वाब है कि मैंने आर्मी को ज्वाइन करना है। किस, कौन सी उम्र के बचपन से बेटा? 5th क्लास। किसे देखा था आर्मी में? मैंने देखा था, हमारे स्कूल के बाहर जाते थे आर्मी ऑफिसर कैंट में, हमारा स्कूल है ना, तो वहाँ से उनको देख के, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने मूवीज भी देखी थी, तो उधर से मुझे हुआ। आपको हेजिटेशन हो रही है? नो सर। घबराहट हो रही है? नो सर। वैसे फील हो रहा है मुझे कि आपसे इंटरव्यू नहीं दिया जा रहा, आप खुश बहुत ज्यादा हैं, पहली बार इंटरव्यू देने आई हैं? यस सर। इतने खुश क्यों बेटा? आई एम कंफर्टेबल विद यू। आई एम कंफर्टेबल विद यू। फेल बताओ क्यों? मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, आपने इंग्लिश में जॉब क्यों दिया? आपने मेरी इंसल्ट की, आपको लगता है मुझे इंग्लिश नहीं आती? फेल। अगेन स्टार्ट करें? यस। फ्रेश हो जाए एक बार ऐसे करके, हो गया फ्रेश? यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं बेटा? ठीक हैं? जी सर, इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आपको? यस, माय नेम इज, नेम बताना? बता दें कुछ, माय नेम अरुज बोल दो। माय नेम इज अरुज, दो नाम अच्छे लगते हैं, एक अरुज एक और नाम। माय नेम इज अरुज, आई belong from Gujranwala. I recently completed my FSC intermediate and I attempt, I get A plus marks in it. And my father runs a pharmacy store. I have 5 siblings in my family and the elder one. I am a very hard worker. What you are doing nowadays? Nowadays I am preparing interview for AFNS. Are you stopped your study? No sir. Then which degree you are the continue? Sir, farm D mein admission liya. Why you are giving answer in Urdu? हम तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं ना, उर्दू में जवाब क्यों दिया? फिर अंदर इंग्लिश अंदर उर्दू। दोबारा स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं बेटा आप? ठीक हैं? जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आपने एयरफोर्स में अप्लाई क्यों नहीं किया?
मैं उसमें नहीं जाना था। एफएस अच्छी नहीं है? नो सर, अच्छी है। फिर गई क्यों नहीं? मैंने कैटेगरी आर्मी चुनी थी तो आर्मी में जाना था बस। तो आर्मी में एज ए नर्सिंग डिपार्टमेंट को क्यों चुना? नर्सिंग डिपार्टमेंट अजीब सा नहीं है? नो सर। क्या होता है इसमें बेटा? इसमें कैप्टन रैंक मिलता है, अच्छी सैलरी है, अच्छा आपको रिस्पेक्ट। ड्यूटी क्या होती है एफएनएस की? इसमें आप एज अ डॉक्टर असिस्टेंट काम करते हैं और चेक एंड बैलेंस करते हैं फाइल्स को। अच्छा, मुझे कोई ऐसी तीन वजह बताएं जिसकी वजह से मैं आपको सेलेक्ट कर लूं। कोई ऐसे थ्री पॉइंट बताएं जिसकी वजह से मैं आपको सेलेक्ट करूं। सर, आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड अ मल्टीटास्कर। आई फेल। मैं उर्दू में बात करूं, आप फिर इंग्लिश में जा रही हैं। बच्चों, इनटू होना है तीन मिनट का और तीन मिनट में आपने होना है फेल। अगर आपके लिस्ट में नाम आता है, अब जो बातें मैं बोल रहा हूँ अभी दोबारा लेता हूँ माइक अपने पास रखो, जो बातें बोल रहा हूँ उसे ठंडे दिमाग से सुनना, ये बातें आपको कैसे नहीं मिलेंगी। अगर आपको लिस्ट में नाम आता है तो 98% आप सिलेक्ट हैं। कितना? 98%। लास्ट टाइम मेरे पास से मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि कितनी ज्यादा गर्ल्स एफरेंस में गई हैं, तादाद बहुत ज्यादा है उनकी, ठीक है। और अभी मुझे भी नहीं पता होता कि कितनी ऐसी गई हुई जिनके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर तक नहीं है, ठीक है। और अक्सर फेसबुक पे एसएमएस कर देंगे हम एफरेंस में गए हुए हैं आपकी तैयारी करके, क्योंकि यूट्यूब से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका अगर लिस्ट में नाम है तो 98% आप सेट हैं। आप 2% जो रह गया वो फेल होने की वजह आप खुद हैं, नसीब नहीं है, किस्मत नहीं है। वो ये है कि आप इंटू में ये साबित करेंगे कि उन्होंने गलती से आपको नाम दे दिया लिस्ट में, नहीं देना चाहिए। आप उन्हें साबित कर देंगे कि आपको रिजेक्ट करें वो। आप खुद साबित करोगे। कैसे साबित करोगे? चार गलतियां करके। सबसे पहले गलती, आपका सेंस किधर है? आपका इंटरव्यू के दौरान आपका टोटली फोकस एक बात पे होना चाहिए, लिसनिंग पे। जो सुनाई दे वो बोले, आपको सुनाई सही नहीं दे रहा, वो इंग्लिश में दे रहा है, बोल रहा है, तो आपको इंग्लिश सुनाई देनी चाहिए। आपको उर्दू सुनाई क्यों दे रही है? क्या यहाँ कोई ट्रांसलेटर है? नहीं। दूसरी बात, आपने सवाल का जवाब जब भी देना है उसे तो आपने शॉर्ट करके देना है। और जब जहां से आपको जवाब भूल रहा है, जैसे इंट्रोडक्शन आपको भूल रहा था, आप डेड शिफ्ट करके खत्म करें उसे। आप उसे छोड़ रही हैं, इसका मतलब यह है कि आपको आता नहीं है। आप जब कॉपी पर जवाब लिखते हैं, आप जवाब कह के डॉट डाल दें, मतलब आपकी बात खत्म हो गई है। चाहे डॉट के आगे भी जवाब बनता हो, आप डॉट डाल दें। समझ आ रही गुड़िया? एफओस के नहीं में चाहे टेस्ट तुम पास कर लोगे, इंटू की तैयारी दिमाग में रखना हर वक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये चीज़ को अवेल करना, ठीक है। वो ये कि अपने आप को एक्टिव रखना है आपने, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके हर सवाल का जवाब देना आपने, किसी जवाब को इग्नोर नहीं करना। थर्ड पॉइंट, आप मेरे आगे तो स्माइल कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी आज मेरी पहली मुलाकात है। इंटरव्यू में आपने स्माइल नहीं करना और इंटरव्यू में गुस्से में भी नहीं बैठना, उसे लगे पता नहीं कहाँ से लड़के आगे बैठे। इन्हें नॉर्मल रहना, जो स्माइल की बात है उसमें स्माइल करनी है, हर पॉइंट पर स्माइल नहीं करना। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि आपका क्लोजिंग सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए? क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग सही नहीं है तो फायदे नहीं। यार काफी गलत नहीं एसएमएस करी, मॉक इंटरव्यू लें उनका, बेटा अगर मॉक इंटरव्यू नहीं भी ले पाता प्रैक्टिस करें, आप सेलेक्ट होंगे, अल्लाह ताला करेगा। और अगर जिस चीज का लिस्ट में नाम है वो लिस्ट की पिक्चर खींच के मुझे व्हाट्सअप करे, सर का रियल मोटिवेशन पे इनबॉक्स करे, एमरजेंसी लिखे, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन डिटेल लिखिए, दोबारा करें एक बार स्टार्ट रेडी, उसके बाद क्लोज करूंगा, देन मैं आपको खुद तैयारी कराऊंगा, डोंट वरी। टाइम हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा बेटा, आप आर्मी के अंदर हो जाती हैं, और वैसे ये बताएं मैट्रिक और इंटर में कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका फेवरेट था? साइंसेस तीनों। सॉरी, साइंसेस तीनों फेवरेट थे। ये कौन सा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। बायो इसे क्या कहते हैं? साइंसेस। अच्छा साइंसेस बोला आपने जी। फिर एक सेकंड बोलती ना, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? वाह करते हैं और पेन हिलाना बंद करो, इसलिए तुम्हें कहा था कि एक हफ्ते के लिए अपने यहाँ रेलिटी बस शिफ्ट हो जाओ, एक हफ्ते में सीधा करना चाहिए, इस पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है, इधर छोड़ के चला जाना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अरबी इस्लाम पे ना 10 नेकियां मिल रही हैं आपको, ठीक है, दोबारा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बेटा? ठीक हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, बायो सब्जेक्ट बेहतर है आपके लिए? यस। एक्सपर्ट है उसमें? यस। अच्छा, बॉटनी और जियोलॉजी में क्या फर्क है? बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जियोलॉजी। अरे मैंने उर्दू में पूछे मैं अगर ये पूछूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉटनी एंड जियोलॉजी, देन यू हैव टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश।
इसके कान साफ करो, बुश लेके आओ, जो दांतों में दिया कानों में दे दो, घुमाओ इसके दांतों में। ये आधी मोम जो बैठी होती है ना, मैं सरकार के पास बैठ के तैयारी करना चाहती हूँ, मैं बेटा आपको 24 घंटे फेल करता रहूंगा, मैं आपकी बुरी हालत कर दूंगा। और मैं वीडियो में बोलता ना, बुरी हालत कर दूंगा। एक लड़की ने भी एसएमएस किया, सर जी मेरी कर दे बुरी हालत, लेकिन मुझे बुला लें आप। क्यों? मैंने कहा क्यों? कह रही सर उससे ज्यादा बुरी हालत मेरे अपने घर में हो रही, इतनी बुरी हालत मेरी कहीं नहीं हो सकती, मुझे बुलाने में रिकमेंड करके भिजवा रहे सर। पता नहीं आधी आधी लड़कियां दुनिया से क्यों तंग है, मुझे तो इस बात की समझ आज तक नहीं आई कि वो पता नहीं वो एक अल्फाज अक्सर लड़कियां लिखती हैं एसएमएस पे, सर हमें कोई नहीं समझता। हकीकत में तुम लोगों को कोई नहीं समझ सकता भाई। हाँ मैंने उसे बताया था ना आपको, एक वो लेडीज आई थी, उनकी बेटी मेरे पढ़ती है, और ना वो ना बेटी पढ़ी तो मैंने उसे टेस्ट दिया तो ऐसे मोटे मोटे आंख से आंसू। मैंने डांटा भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कहता। मैंने कहा क्या हुआ? कहती बस सर कोई मसला हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? सर बताऊं? मैंने कहा हाँ। कहती ऑफिस में आ जाए, मैं ऑफिस में बैठा लिया। मैंने कहा बताओ। बता दूं? मैंने कहा बता दूं। सर लेकिन आप समझेंगे नहीं। मैंने कहा बेटा बताओ तो सही, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। सर आप नहीं समझेंगे। उसने आधा घंटा मेरा जाया कर दिया यही बात बोलते हुए, उसने बताई नहीं बात। मैंने कहा बेटा उठो जाओ टेस्ट दो वहाँ पर, दिमाग खराब कर दिया मेरा। तो जी छुट्टी टाइम उसकी मामा लेने आ गई। कहती सर एक बात करनी है। कहा मेरी बेटी ने आज नाश्ता नहीं किया। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? सर एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? सर आप समझेंगे नहीं, मुझे कहेंगे वहाँ पर बेटी तरफ से पागल कर देंगे, तुम लोग पढ़ने आते हो या मुझे बात समझाने आते हो, पहले ये बताओ। ये तो खुद समझ नहीं आती कि मैं किधर जाऊँ। आधे से आधी दुनिया में यही कह रही है मुझे समझो के नहीं, मुझे समझो के नहीं। लड़के भी कह रहे थे सर हमें कोई नहीं समझता। अब तो मेरे कहते पाकिस्तान के हर बंदा यही कहता है कि हमें कोई नहीं समझता सर। तो बेटा कैसे समझाएं तुम्हें? इंग्लिश को जवाब इंग्लिश में, उर्दू को जवाब उर्दू में, फारसी को जवाब फारसी में, चाइनीज को जवाब चाइनीज में, चीन चांचू बोलो तो चीन चांचू में जवाब देना, ठीक है? वो सही कर देंगे, इनकी भी जभी भी नहीं ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है? खाने के लिए कुछ लेके आई है बैग में? नो सर। लेके आना चाहिए, टीचर को चक्कर आ सकते हैं, ठीक है? हाँ तो बिस्किट खा सकता है, ठीक है? दोबारा करते हैं स्टार्ट। खुश रहा करो, इससे इंसान ना बूढ़ा नहीं होता, ठीक है? परेशान रहने से इंसान वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। ज्यादा भी खुश नहीं रहना, ये ना कि गले में कोई फोदगी। वाह 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 वाह, सर ने कहा था खुश रहना है, मर गया मर गया। दोनों में अच्छा बेटा, ये बताएंगे माइटोसिस और मियोसिस में क्या फर्क होता है? जी सर, माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं, और माइटोसिस में उनकी क्रॉसिंग ओवर होती है। सॉरी मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, डीएनए में, मियोसिस में क्रॉसिंग होती है और माइटोसिस में वो डबल हो जाते हैं। अच्छा, हम ये बताएंगे बेटा डॉटर सेल्स कितने होते हैं? डॉटर सेल्स और क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसके पेयर कितने बनते हैं? 23 बनते हैं, ठीक है? बिल्कुल सही, बायो आती है आपको। अच्छा, हम ये सिंपल सा सवाल जवाब देते हैं। बायो के बारे में एक छोटा सा सवाल है, डीएनए आरएनए क्या होता है, ये स्टैंड फॉर बता दें इंग्लिश में। डीएनए डीऑक्सीराइबो, को उर्दू में तो नहीं कर सकते। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्या होती हैं दोनों चीजें? डीएनए से हम वो ब्लड डीएनए से हम आपकी पहचान पता कर, हां इंग्लिश में बोलना नहीं, इंग्लिश के वर्ड यूज कर सकते हैं। देखिए अच्छा, मैं एक पॉइंट जरा क्लियर कर दूं यहां पर, इसका मतलब ये नहीं कि आप उर्दू के बेसिक वर्ड्स ही तलाश करते हैं। अगर वो उर्दू में वो बात कर रहा है और डीएनए इंग्लिश में बोल रहा है तो आप इंग्लिश उर्दू मिक्स करके बोलें, पूरा जुमला इंग्लिश में ना बोलें, इतना मेरा कहने का मतलब था, समझ आई? ये नहीं कि आप ये कहें उसकी शनाख्त के लिए वो उसके अंगूठे के तमगो निशान को लेके वो सर जी वो पता नहीं क्या उर्दू में बोलोगे आप, अल्लाह जाने कैसे करोगे, ठीक है? तो ये उर्दू इंग्लिश को क्या करना है, आपने मिक्स करके बोलना है। कल यहाँ आपकी सीट पर एक लड़का बैठा, वो उसे कहता है, यहाँ बच्चा बैठा मैथ का सवाल कर रहे हैं आपस में क्लास में, तो उसे कहता है मैं एक पेड़ मारूंगा। खबर था रैब ने ऐसे बोला, अदब से बात करनी है। उसे कहता है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी मैं आपके चेहरे मुबारक को गुलाब के फूल की तरह लाल कर दूंगा। मैं कहा बेटा इतना अदब? अदब में उसे कहा, ठीक है? तो इंग्लिश के क्या करने मिक्स करके बोलने, ठीक है? डीएनए आरएनए क्या काम करते हैं बताएं? डीएनए पहचान के लिए होता है, एक इंसान के दूसरे इंसान से रिलेशन, जी जी जीन्स के पहचान के लिए। आरएनए ब्लड रिलेशन के स्टडी, जो हमारा ब्लड ए पॉजिटिव वगैरह होता है, ये मैंने वीडियोस में ऑलरेडी बताया था, सुना था मैंने, ठीक है? अच्छा बेटा, अब जरा हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपकी फेसबुक अकाउंट है बेटा?
कोई व्हाट्सएप है वो आपका? नो सर। मोबाइल तो है होगा आपके पास? मोबाइल में कितने बॉयज ऐड हैं आपके? वॉइस काफी ज्यादा ऐड है। नो सर। फिर रिलेटिव्स से बात करें या फिर नहीं, वैसे ओवरऑल ओवरऑल आप बात करती हैं लड़कों से या नहीं? नो सर। नहीं बात करती हैं? अपने रिलेटिव से कर लेती हूँ किसी। मैं तो लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़का तो कोई भी हो सकता है। सर अगर काम की बात हो कर। कोई बॉयफ्रेंड है आपका? नो सर। कोई दोस्त नहीं है लड़का आपका? नो। बॉयफ्रेंड का मतलब लड़का दोस्त होता है? नो। भाई है आपका? भाई है मेरे। तो भाई दोस्त नहीं होता? होता है। आपने भाई बोलना था कि भाई मेरा दोस्त है। बॉयफ्रेंड का मतलब गलत नहीं होता, बॉयफ्रेंड का मतलब होता है कि मेरा दोस्त है। भाई दोस्त होता है, भाई क्या होता है? दोस्त होता है। दोस्त होता है, ठीक है। किसी लड़के से बात करने के पूछे जी मैं बात करती हूँ, मेरे भाई है, मेरे कजन है, मेरे टीचर है, मेरे फादर है, मैं सबसे बात करती हूँ, सारे मेल ही। इस सवाल के मुतालिक कभी एकदम नेगेटिव ना आना चाहिए, आप में पॉजिटिव रहना है। क्या रहना है? पॉजिटिव। सोशल पॉइंट्स के वजह से पॉजिटिव रहना है। जैसे कि आपसे पूछते हैं कि आपकी मूवीज वगैरह देखती हैं? यस मैं देखती हूँ। आप कहते हैं नहीं मैं मूवीज भी नहीं देखती, मैं तो कार्टून में तो बस पूरा दिन अल्लाह 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 करते। ऐसा नहीं है। अरे बोला मूवीज देखती हूँ। किस तरह की मूवीज देखती हूँ सर? मैं एक्शन मूवीज देखती हूँ, इन्वेंशन मूवीज देखती हूँ, एनिमेटेड मूवीज देखती हूँ, देखती हूँ। अपने आप को आपने सोशल दिखाना भी है कि आप दुनिया का भी आपको पता है। ये नहीं कि सिर्फ आपको अपनी किताबों के अलावा दुनिया का पता ही नहीं है। आप नॉर्मली लाइफ गुजार रही हैं जो सब लोग गुजारते हैं, समझ आई? लेकिन रहना पॉजिटिव है। रहना क्या है? पॉजिटिव। अच्छा आप तीन सवाल और पूछते हैं आपसे। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं कि अगर एएफएनएस में आपको ना रखें तो फिर आप क्या करेंगे? सोच नहीं रही। आपको नहीं रखते देन व्हाट यू विल डू नेक्स्ट प्लान? नेक्स्ट प्लान क्या आपका? सर मैं दोबारा यही अप्लाई करूंगी। चाहे बेटा दोबारा अप्लाई करें, क्या चाहता है इसका? आपने दूसरी बार सरेंडर कर दिया। अच्छा अच्छा ध्यान रखिएगा, मैं अगर फेल कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ फेल होंगी, इंशाल्लाह ये वहाँ पास होंगी, सेलेक्ट होंगी। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, वो बेहतर हो जाएंगे ना। मैक दे दें, काफ़ी कुछ हो गया, ठीक है। पसीना है वह है, हाथ पे पसीना आ गया, पूरा माइक गीला हो गया। अच्छी बात है, यहाँ तीन चार बारी हो जाएगा तो बेहतर होगा, वरना पहली बारी वहाँ जाएगी समझ ही नहीं आनी। एक बल्कि बल्कि वहीं अंदर जाते कहेगी सर मैं कल आऊँ, आज तबीयत खराब हो गई है, सिर दर्द हो रहा, जाऊँ सर? कहेंगे घर जा बेटा, घर जा, ठीक है। अच्छा ये इस तरह की दो दिन झटके लग जाए ना बेहतर होते हैं। अच्छा अब मैं जो बच्चे सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को राइट, वो उन्हें बताने लगे कि करना क्या है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका वेट ज़्यादा तो वेट को थोड़ा कम करें। वेट आपकी पिच पे बड़ा अफेक्ट करता है। आप अच्छा सा गले का सिरप पिए, गले को सही रखें, ठंडी चीज़ें मत खाएं, ठीक है, डाइट प्लान सही रखें। आपने बीमार नहीं होना, अपनी केयर करनी है आपने। गंदी चीज़ें, गोल गप्पे, गंदा पानी, ये सब चीज़ें नहीं पीनी। गोल गप्पे, गोल गप्पे का गंदा पानी जिसमें वो खुद हाथ धो रहा होता है और वही डाल के आप कहते हैं वाह सर क्या खट्टा पानी है, पता नहीं कौन सा मसाला डालता है वो तो कौन से मसाले, अंदर दो बारी तो हाथ धोता है वो, वही तो मसाले हैं उसके, ये तो मसाले। आप कहते हैं मामा ये मसाले कहीं और से नहीं मिलते, आप कहाँ से मिले ये मसाले? ये तो उसी से मिलते हैं जो तीन तीन दिन नहाता नहीं है, ठीक है। तो ये मैं कि आपने गंदगी से सबसे दूर होना है, साफ सुथरी चीज़ें खानी है, साफ सुथरे रहना है, वेजिटेबल्स वगैरह का यूज़ करें, फ्रूट्स का यूज़ करें, जूसेस पिए, ठीक है, और अपने आप को फिट रखें। दूसरा पॉइंट, इंटू की प्रैक्टिस कैसे करनी है? इंटू की प्रैक्टिस ऐसे यूट्यूब पर सर्च करना है एएफएनएस इंटू, उन तमाम वीडियोज़ को आप सुने, या बल्कि आप लिखें फोर्सेज इंटू सर्व का, वो तमाम वीडियोज़ को सुने जिसमें एक बंदे के साथ में इंटू ले रहा हूँ। अब जैसे ये इंटू हो रहा है इसकी तो चलो आप नॉर्मली सुनोगे, लेकिन वो इंटू बात कर रहा हूँ जिसमें वो एक बंदे की पीठ शो हो रही है, कमर शो हो रही है, ठीक है, चाहे वो लड़की है लड़का है। ये सारे वो लोग हैं जो सेलेक्टेड हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक सारे वो लोग हैं जो सेलेक्ट हैं। जब जो आप सेलेक्ट हो जाओगे तो मैं आपको वैसे इंटरव्यू करूंगा, ये मेरी नेचर है। मैं इस तरह बैठाता हूँ, कैमरा पीछे जाएगा, आपकी पीठ आएगी, ठीक है, सिर आपका कान नजर आ रहा होगा, आपका फेस नजर नहीं आएगा, इस तरह सी आई डी वाले इंटरव्यू करते हैं, ऐसा इंटरव्यू। वो उसके क्वेश्चन को आप लिखें, उन क्वेश्चन को लिख के घर में किसी दुश्मन को तलाश करें। किसे तलाश करें? दुश्मन को तलाश, घर में होगा कोई ना कोई आपसे नफरत करता होगा, बहन भी जिसका दिल करता होगा आपका सिर फाड़ दे, बुरी हालत कर दे, उसके आदमी वो पेज दे दें, उसे कहो कि यार मेरे से ये सवाल पूछते रहो। फिर आप एक चेयर पे बैठ जाइए जिस चेयर पे टेक ना लगा सकें आप, स्टूल होता है, स्टूल टाइप से, जिस पे टेक ना, ताकि आपको सीधा बैठने की आदत हो, सीधे बैठने की क्या हो आदत हो, कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहे, ठीक है। वहां पर बैठना है, बैठने के बाद आपने जो से है देन उसे कहना सवाल पूछो, सवाल पूछे आपने जवाब देना है, फिर खुद रियलाइज करना है कि ये जवाब मैंने सही दिया या नहीं, देन दोबारा देना है, देन दोबारा देना, फिर अपनी पिच को सही करना है। आप खुद ही सर्वकार के बगैर भी कर सकते हो, खुद ही पिच को क्या करना है
सही करना है, फिर अपने सोचना है कि जो मैं बोल रही हूँ क्या ये फील करके बोल रही हूँ मैं, क्या मैं डुप्लीकेट लग रही हूँ, क्या मैं इंग्लिश बोलते हुए आर्टिफिशियल लग रही हूँ या मैं रियल लग रही हूँ, ये चीज देख के अपने आपको चेंज करना। और दिन में कम से कम 5 घंटे प्रैक्टिस करनी है इंटू की, एफएनएस की गर्ल्स को बता रहा हूँ, 5 घंटे इंटू की क्या करें, प्रैक्टिस करें बार बार उन तमाम सवालों की प्रैक्टिस करें, आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। 3 चीजें आपको याद करनी है, 9th, 10th, 1st, 2nd की बायो को रिवाइज करके जाइएगा, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, वो कोई भी सवाल आपसे एकेडमिक पूछेगा, 2 या 3 सवाल एकेडमिक पूछेगा, वो आपसे पूछ सकता है इक्वल टू एमसी स्क्वायर क्या है। लास्ट टाइम जो गर्ल्स के इंटरव्यू हुआ था उसमें से उन्होंने सारे के सारे सवाल क्रोमोसोम में से और एंजाइम में से पूछा था, एक भी सवाल उन्होंने बाहर से नहीं पूछा था, एंजाइम एंजाइम से ही हर एक से पूछा जा रहा था। एक वो सवाल पूछा था उन्होंने लास्ट इंटरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको जो हुआ था, और उन्होंने पूछा था कि आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि बाहर जो है सेक्शन प्रोसीजर में क्या चीज चेंज आनी चाहिए, ये सवाल उन्होंने सबसे पूछा था, ठीक है। 3rd साल उन्होंने पूछा कि इंट्रोडक्शन जो पहले हुआ था, ठीक है, 3 साल हो गए। 4th साल उन्होंने पूछा कि आपके जो आपका नेक्स्ट प्लान किया है, अगर आप यहाँ नहीं होती तो आप क्या करना चाहती हैं। 5th उन्होंने कोई भी सोशल वर्क के बारे में पूछ लेंगे आपसे, काम कि आपकी हॉबी क्या है, या पूछ लेंगे पॉलिटिकल पार्टी में कौन आपको पसंद है, या फेसबुक है या व्हाट्सएप है या नहीं, इस तरह का। ये एक सवाल जो है ना नेगेटिव पॉजिटिव वाला, वो सिर्फ एक सवाल आना है, वो भी किसी किसी को आता है, यानी 4 क्वेश्चन वो हैं जो कि आपके कंपल्सरी हैं। 5 सवाल पूछेगा वो आपसे, 5 या 4, मुश्किल से कुछ से तो 3 भी नहीं पूछते, 2 पूछ के भेज देते हैं, उसी टाइम उन्हें समझ लगे थे इसे रखना यानी। अब सबसे बड़ी चीज है ड्रेसिंग, ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप कैसे लगते हो, आप रूम के अंदर इंटरव्यू होते हो तो आपके आपकी लुक कैसी लगती है, ये बहुत इफेक्ट करता है, समझ आ रही बात। जैसे कि अगर किसी ने यहाँ दुपट्टा रखा है और वो दुपट्टे को पोस्चर रखना चाहती है तो आपके पता है आप लोग चाकू लगाते हो यहाँ पर, क्या कहते हैं उसे, कौन पेन, मैं उसे चाकू बोलता हूँ, ठीक है, हाँ, जिसे हम निकाल के कभी भी किसी को मार सकते हैं, ठीक है, कत्ल कर सकते हो किसी के, वो तलवारें तो वैसे तुम लोगों के पास होती हैं, तो अच्छा ये चीज आपको वहां पे लगा के जानी चाहिए ताकि जो आपका कॉन्स्टेंट है। दूसरा पॉइंट, जब इंटरव्यू के लिए आपने जाना है तो बैग में खाने की चीजें होनी चाहिए, चॉकलेट्स हों, गंदी वाली नहीं अच्छी वाली हों, ठीक है, और बिस्किट्स हों या कोई भी चीज अच्छी अच्छी चीजें हों, ठीक है, पानी की बोतल आदमी हो, जूस मत पीना क्योंकि जूस से आपका हालत जो है अजीब सा हो जाता है, पानी से ज्यादा पानी सही रहता है वो। अब इंटरव्यू स्पोर्ट्स के उन्होंने आपको 9 बजे बुलाया, वो इंटरव्यू लेते हैं शाम 4 बजे, आपको बैठाए रखते हैं, फिर क्या करोगे, आपका हालत खुश्क हो जाएगा, होंठ आपके ड्राई हो जाएंगे, चेहरे की रंगत तब्दील होनी शुरू होती है भूख की वजह से, जब इंसान को भूख लगती है ना तो चेहरे की रंगत तब्दील होती है, टायर्ड हो जाता है अंदर से, तो आपने थोड़ी देर बाद कुछ खा लेना है, वॉशरूम चले जाना है, हाथ मुंह धो लेने, अगर धोना चाहते हैं तो, अगर गर्ल्स मुंह धोना चाहती हैं तो अरे उन्हें पता है तो वरना मत धोना, ठीक है, हाँ ठीक है। और लाइट सा मेकअप करना चाहिए, मेरा मानना, मेकअप की बात नहीं कर रहा मैं, लाइट सा मेकअप का मतलब होता है जिसे बोलते हैं ब्लोशन, ब्लोशन है ना, आई डोंट नो क्या, थोड़ा बहुत लगा देते हैं, थोड़ा बहुत तैयार शर हो गए, हल्का सा आपको होना चाहिए, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, शादी की तरह तैयार होकर नहीं जाना। उसके अलावा इस तरह के कपड़े नहीं पहने, डिज़ाइन हुए हों जो उस पर मोती लगे हुए हैं, ठीक है, आप कोई शादियों पर नहीं जा रहे, 1 कलर ड्रेस पहने आप, 1 कलर क्या पहने ड्रेस, इस मांगने वाले के पास 30,000 का स्पीकर है, 30,000 के फोन पर स्पीकर नहीं है, मैंने सोच रहा था 30,000 वाला स्पीकर है, अभी इसका फुल वॉल्यूम नहीं है, 1 पे वॉल्यूम रखा है इसने, ये करें ना फुल जो आखिर स्टॉप तक आवाज जाएगी, आई लोग हैं भाई, आईफोन रखा होगा इसने कम से कम भी, ठीक है, तो वो भी पीटीए प्रूफ तो समझ आ रही मेरी बात, 1 कलर ड्रेस पहने, वो ड्रेस पहने जो आपके फेस पे सूट करे, बाकी जो 4 सवाल हैं आपके जो कंपल्सरी हैं हम वो दोबारा लेते हैं इनसे एक बार, क्योंकि ये बहुत दूर से आई हैं, ठीक है, तो अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है कि बच्चों को मैं इतना काम कराऊं कि बच्चे रोएं और बच्चों को बुखार हो जाए, लेकिन कोई और उन्हें रुलाए मुझे बहुत दुख होता है, सही बात है, मैं जितना मुझे रुला लूँ मुझे दुख नहीं होता, मैं कहता हूँ मैं उन्हें उनकी बुरी हालत कर दूँ, क्या कर दूँ, बुरी हालत कर दूँ, लेकिन कोई और बुरी हालत करे यहाँ मुझे दुख होता है, तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता कि कोई और उनकी बुरी हालत करे, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ही उनकी बुरी हालत करूँ, होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा स्टार्ट करें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बेटा आप, ठीक हैं जी सर? बेटा इंट्रोडक्शन देंगे अपना? यस सर, माय नेम इज इमान अफजल, आई एम बिलोंग फ्रॉम गुजरावाला। अच्छा बोलें, माय नेम इज इमान अफजल, आई बिलोंग फ्रॉम गुजरावाला, आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय एफएससी एंड आई गेन A+ ग्रेड, माय इन माय फैमिली मेंबर देयर आर 5 siblings एंड आई एम द एल्डर। इंट्रोड्यूस, आपके बारे में पूछा है, बहन के बारे में क्यों बता रहा है, उसने पूछा ही नहीं, नहीं बताना, सिर्फ अपने तक रखनी है बात। फादर आर्मी से हैं कहीं से? नो सर। ठीक है,
अपने तक रखना, फादर तक भी नहीं पहुंचना। अगेन गुड़िया इधर बैठ जाओ सातवीं सीट पे, आपको नजर आ जाएगा सिंह, बैठ जाओ सातवीं सीट पे। My name is Iman Afzal. I belong from Mujranwala. I recently completed my intermediate in FSC and I want to join Pak Army as a nursing candidate because it give enough facilities for the girl and is a respectful profession for the girl. That's it. क्या लगता है सही है? नहीं ना? एक बार ही दोबारा दो, अब चेंज करो। अब मैं बताता हूँ क्या बोलना। बोलो माय नेम इज ईमान। माय नेम इज ईमान। रिसेंटली आई कंप्लीट, रिसेंटली आई कंप्लीट इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। आई वांट टू जॉइन, आई वांट टू जॉइन एएफएनएस डिपार्टमेंट, एएफएनएस डिपार्टमेंट। आई थिंक अबाउट दैट, आई थिंक अबाउट दैट। इट्स मच बेटर, इट्स मच एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स, अदर डिपार्टमेंट्स फॉर गर्ल्स। फॉर गर्ल्स इट्स वेरी सिक्योर, इट्स वेरी सिक्योर फॉर गर्ल्स फ्यूचर, फॉर गर्ल्स फ्यूचर। आई नो अबाउट, आई नो अबाउट कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स। आई कैन इजीली स्पीक, आई कैन इजीली स्पीक इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश उर्दू एंड पंजाबी, एंड पंजाबी एंड आल्सो अंडरस्टैंड, एंड आल्सो अंडरस्टैंड। आई विश टू जॉइन, टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी एज एन ऑफिसर, एज एन ऑफिसर। दैट्स इट, दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन, अगर हम आपको ना रखें तो क्या करेंगे? सर इंशाल्लाह मैं रेकमेंड हो जाऊंगी, सर इंशाल्लाह मैं रेकमेंड हो जाऊंगी। अगर हम आपको ना रखें तो फिर क्या करेंगे? सर इंशाल्लाह मैं रेकमेंड हो जाऊंगी। अच्छा सोचे तो सही, अगर आपको ना रखें, सर मैं फेल होने का सोचती नहीं हूँ, आपको कैसे लगता है कि आप हो जाएंगे? सर मेरी वालदा की दुआ है, जब मैं आ रही थी तो मेरी वालदा ने दुआ की थी बेटा तुम हो जाओगे, ये पूरी उम्मीद है मैं हो जाऊंगी। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा बेटा मुझे ये बताएं बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में से कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? बायो। सर कोई भी नहीं फेवरेट सब्जेक्ट, सर सब बराबर है। आपने फेवरेट बोला, उसने उसकी वो सवाल पूछने हैं आपसे, वो फेवरेट सारा निकल जाना वहाँ पर। ठीक है सर, कोई फेवरेट नहीं है। अच्छा मैट्रिक में नंबर ज़्यादा नहीं, इंटर में नंबर कम क्यों है? सर एक्चुअली इंटर में घर के हालात थोड़े सही नहीं थे, तो मामा बीमार थी, उनकी खिदमत में लग गई थी, इसलिए नंबर कम आए। ये नहीं बोलना कि इंटर में टीचर सही नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। ठीक है, आगे एडमिशन क्यों नहीं लिया? सर एडमिशन इसलिए लिया क्योंकि एफ्रेंस में आना है। अच्छा फिर भी एडमिशन तो लेना चाहिए। सर मैं कश्तियाँ जला के चलती हूँ, मैंने एफ्रेंस में आना है, यहीं पर आगे स्टडी करनी है, इसलिए मैंने आगे एडमिशन नहीं लिया। समझिए इस तरह। अगला क्वेश्चन, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह कोई यूज़ करती हैं आप? यस सर, सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। अच्छा फेसबुक पे क्या देखती हैं? सर फेसबुक पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं, मैंने ए एफ एन एस की तैयारी भी फेसबुक से की है, सर वकार भेजते हैं, फ्री तैयारी कराते हैं, उनकी वीडियो सुनती हूँ मैं। अच्छा गूगल पे क्या सर्च करती हैं? सर गूगल पे आजकल तो आर्मी सर्च कर रही हूँ पिछले दो महीनों से, उसके अलावा कुछ नहीं सर्च किया। अच्छा हम ये बताएँ कि क्या सैलरी एक्सपेक्ट करती हैं, कितनी सैलरी मिलनी चाहिए आपको ए एफ एन? सर सैलरी यहाँ पर फिक्स होती है, एक्सपेक्टेड नहीं होती, सबकी सेम होती है। अच्छा काफ़ी पढ़ के आए हो? यस सर रिसर्च की है थोड़ी बहुत। अच्छा आप में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लग रहा है? नहीं सर सही है, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कम है। सर फर्स्ट इंटरव्यू है, शायद आपको इससे लग रहा होगा। अच्छा ये मैं ये बताएं एयरफोर्स और नेवी को क्यों नहीं ज्वाइन किया? सर एयरफोर्स आर्मी नेवी दे बहुत ज़्यादा सेम पार्ट, एक ही जिसम के हिस्से हैं, आर्मी हो एयरफोर्स और नेवी हो एक ही बात है, तो आर्मी में आ रही हूँ तो एक ही बात है सर, तीनों बराबर। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप ड्यूरिंग जॉब आपकी पेरेंट्स आपको कॉल करके कहते हैं कि छोड़ के आ जाए, तो क्या करेंगे? सर मैं एक्सपेक्टेशन में बिलीव नहीं करती, जब वक्त आएगा जब सोचूंगी। अच्छा सोचो तो सही ना? सर नहीं सर, जब वक्त आएगा फिर सोचूंगी। अच्छा अगर हम आपको 1,00,000 रुपए दें तो क्या करेंगे? सर गिव मी 1,00,000। अच्छा अच्छा बेटा मुझे ये बताएं आप थोड़ा सा, भाई जो गर्ल्स बैठी हैं जिनके साथ बैठी हुई थी उनमें से किसे रखूँ? सर मैंने उनका इंटरव्यू नहीं लिया, अगर मैं इंटरव्यू लूँ तो फिर मैं बता सकती हूँ किसे रखना। अच्छा चले आप उनके साथ बैठी हुई थी, आपको लगा होगा आपके अलावा किसे रखूँ? सर मेरे अलावा मुझे ही रख लें, बाकी को रहने दें। अच्छा कोई ऐसी तीन ऐसी काबिलियत बता दें जिसकी वजह से मैं आपको सेट करूँ? सर पहली बात मैंने आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, दूसरी बात मैंने सारे टेस्ट पास करके इंटरव्यू तक पहुँच गया, तीसरी बात सर मुझे रख ही लें, थोड़ा सा मजाक भी होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर आके क्या करना चाहती हैं? सर आपकी तरह बैठ के इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, थोड़ा थोड़ा मक्खन लगाना, ज़्यादा मक्खन ना लगा देना बच्चों, हल्का फुल्का मक्खन, हल्का हल्का मक्खन, ज़्यादा मक्खन नहीं लगाना। सर आपके दिन बैठ के इंटरव्यू लेना चाहते हो, सर आपके दिन बैठ के चाय पीना चाहते हो, सर आपके दिन बैठ के फोन पे फोन रख, वो समझ जाएगा कि मक्खन लगा, हल्का फुल्का मक्खन लगाना। क्या लगाना है? हल्का फुल्का मक्खन लगाना है। इंटरव्यू में थोड़ी स्माइल आनी चाहिए, रूड इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, घिसा पिटा इंटरव्यू ना हो। और जाने से पहले ओके सर इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन, आपने बोलना है हम मिलेंगे दोबारा, वो कहेगा ओके इंशाल्लाह। समझ आई बात? कोई मैं उसने ये कहा ओके इंशाल्लाह नहीं क्या? अगर उसने कहा कि इसका जवाब ही ना दिया फिर जी, अगर हमने उनसे पूछा कि मतलब आप बता रहे हैं, आप तो पूछ रहे हैं, आप तो बता रहे हैं इंशाल्लाह आई विल मीट यू अगेन, आप तो उसे बता रहे हैं, आप उसे पूछ रहे नहीं, आप तो उसे पूछ रहे नहीं कि मैं सेलेक्ट हुई या नहीं हूँ, आप तो उसे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन, हम दोबारा मिलेंगे।
समझे बात? Yes, इस तरह करके आपने बोला। और अगर वो कहता है कि वजन ज्यादा सर कम हो सकता है, इंग्लिश नहीं आती सर सीख सकती हूँ, कंप्यूटर नहीं आता सर सीख सकती हूँ, बेटा आपकी बायो भी क्या सर रिवीजन नहीं की। हर चीज का जिस तरह घर में माँ बाप को सुनाते ना बातें, मामा ये नहीं वो नहीं वो नहीं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी सुनाते हैं, ये पता आप लोगों को। वहां बोलती क्यों बंद होती है? छोटी बहन के पाँव पानी पिला दो, मैं नहीं उठ रही, पिला दो ना पानी, नहीं उठ रही, नहीं उठना, जो तुमने करना कर ले। घर में करते हो ना, घर में जॉब पे जॉब देते हो ना, तो वहां भी थोड़ा बहुत बहाने लगा लेना ना, ये नहीं आता वो नहीं आता वो नहीं आता, सीख लूंगी सीख लूंगी, कोई ना कोई रास्ता निकल जाना चाहिए। काफी लेंथी हो चुकी है वीडियो, देखते हैं जहां सब बता दो।